दोस्तों, एमएस वर्ड के इस अमेजिंग चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे बायोडेटा क्रिएट करना। आप सबको पता है कि बायोडेटा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, वाइल हैविंग हम बात करें मैट्रिमोनियल के, या फिर हम बात करें कहीं पे भी अपनी इन्फॉर्मेशन को हमें सेंड करना है तो हम बायोडेटा क्रिएट करते हैं। अभी आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो कि मैंने एक बायोडेटा क्रिएट किया हुआ है जो कि फॉलोइंग डिटेल्स के साथ ऑन स्क्रीन अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और भी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। एंड मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में कुछ ऐसे ट्रिक्स आप देखोगे जिसकी मदद से आप बायोडेटा या फिर रिज्यूम बड़ी आसानी से क्रिएट कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि मैं आपको स्टार्टिंग से समझा सकूं, इसके लिए हम लेंगे एक नया पेज। तो यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और एक नया पेज यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे पहले इसे अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले आपको जाना है डिजाइन में और यहाँ पे जाना है पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन में। यहाँ जाने के बाद बॉक्स पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको आना है नीचे और एक बॉर्डर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपके जो पेज का अट्रैक्टिव लुक है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। अब यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है लेआउट में और लेआउट में जाने के बाद मार्जिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ जाने के बाद आप कस्टम मार्जिन में जाओ और यहाँ पे जो टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट है इसे हम 0.5 कर देंगे, 0.5 0.5 0.5 और 0.5। जैसे आप एंटर करोगे आप देखोगे कि आपका जो कर्सर है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने इसलिए किया ताकि बाय डिफॉल्ट जो थोड़ी ज्यादा स्पेस इसमें आती है वो कम हो जाए। अब ये करने के बाद सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कंट्रोल ई प्रेस करना है या फिर यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लिखना है बायो डेटा। तो हमने लिखा बायो डेटा, ये लिखने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसे हम बड़ा करेंगे, आप नॉर्मली यहाँ से बड़ा कर सकते हैं इसे, और इसे बोल्ड कर लेंगे, इटैलिक, जो भी आप करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे एक ट्रिक का यूज करेंगे, एंटर करना है, तीन बार डैश प्रेस करना है, इक्वल के साइड में आपको की मिलेगी डैश की, तीन बार प्रेस किया और एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, ना मुझे कोई शेप लेना पड़ा ना ही कुछ और। अब ये होने के बाद हम यहाँ क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे ताकि एक ही बार में नॉर्मल हो जाए। अब यहाँ पे ये चीज होने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिसकी मदद से आप नेम वगैरह जो भी चीजें लिखोगे उसे लिखना इजी हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइप प्रेस किया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा नेम, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ स्पेस करते हुए आगे आऊंगा, फिर मैं यहाँ पे डैश दूंगा, फिर स्पेस करूंगा, कितनी बार मुझे दबाना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे ये चीजें मैं लिखूंगा, फिर एंटर कर रहा हूँ, फिर स्पेस की मदद से मुझे आगे आना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे ये, तो ये जो वर्क हम कर रहे हैं ये काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे इरेज करते हैं यहाँ पे सिंपल। इसके बाद आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ये जो आपका रूलर है, तो यहाँ पे आपको आने के बाद एक सिंगल क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे एक टैब का ऑप्शन आ गया। इसके बाद आपको जहां पे डैश देना है वहां पे क्लिक करना है, तो डैश सपोज मुझे देना है यहाँ पे, कहाँ पे रखे हम, यहाँ रख लेते हैं या फिर यहाँ रख लेते हैं, टू पे, तो हमने यहाँ पे रख लिया एक, तो टू पे हमने एक टैब दिया। और इसके बाद जो भी मुझे लिखना है नेम या फादर्स नेम, उसके लिए मैं यहाँ पे थ्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आना है और सिंपल एक हमें लेफ्ट क्लिक यहाँ पे करना है। अब देखो तीन टैब आ गया, अब इसका फायदा क्या, मैं एक बार टैब प्रेस करूंगा सीधा इस वाले टैब पे आया, आने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, अब मैं एक सिंगल टैब प्रेस करूंगा बिल्कुल ही उस पोर्शन में पहुंच जाएगा, फिर एक सिंगल टैब किया और मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया राजेश, एंटर किया, फिर हमने एक टैब किया सीधा, बिल्कुल देखो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ गया, लिखा फादर्स नेम, फिर टैब किया डैश, फिर यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे डाल दिया मिस्टर सुरेश। फिर इसी तरीके से हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे और हमने यहाँ पे लिखा डेट ऑफ बर्थ, तो ये चीज हमने लिखा, टैब किया डैश आया और यहाँ पे आ गए, तो हमने यहाँ पे डाल दिया कोई भी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे डाल देते हैं, लाइक हमने डाल दिया, फिर एंटर करते हैं हम यहाँ पे और यहाँ डालते हैं एड्रेस, टैब किया एड्रेस लिखेंगे, टैब कर दिया। देखो कितना इजी यहाँ पे हम इसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, और अगर ये चीज नहीं करते स्पेस की मदद से करते तो हमें कितनी दिक्कत आती। अभी करने के बाद यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल एड्रेस डाल देता हूँ, बरोला सेक्टर 49 नोएडा, ये हमने लिखा, एंटर किया, टैब की मदद से यहाँ पे पहुंचेंगे, टैब की बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूज करेंगे, यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे लिखा यूपी 201301, ये लिखा, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल नंबर, सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, टैप करेंगे डैश डाला और यहाँ पे जो भी नंबर है आपको डालना वो आप यहाँ पे डाल दो, मैंने भी एक नंबर यहाँ पे डाल दिया है सिंपल।
इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो और भी डिटेल्स है, जैसे कि इसका जेंडर क्या है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया इसका जेंडर। फिर एंटर करते हैं, यहाँ पे हमने डाल दी कैटेगरी, तो कैटेगरी हमने डाल दी इसकी कि ये जनरल कैटेगरी में आता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे डाल दिया मैरिटल स्टेटस, तो हमने ये लिखा है यहाँ पे, और हमने डाल दिया कि बेचारा अभी तक अनमैरिड है। फिर हमने यहाँ पे डाल दिया नेशनलिटी, ये डाला, और यहाँ पे आ गए तो नेशनलिटी में हमने डाल दिया इंडियन। और यहाँ पे आ जाते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे गाइस हमें क्या लेना है, टेबल लेना है, तो हम यहाँ इंसर्ट में जाएंगे और टेबल पे क्लिक करते हैं। अब टेबल पे क्लिक करने के बाद में सिंपल आप देखो यहाँ पे 5 बॉक्सेस का, या फिर हम बात करें 5 कॉलम्स का एक टेबल मैंने ले लिया। अब इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे अपने रिस्पेक्टिव में जितने की हमें जरूरत है, और इसे पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे रखा हमने सिंपल। अब जिसकी हमें जितनी जरूरत है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मुझे लिखना है एग्जामिनेशन, तो मैंने लिखा एग्जामिनेशन, इसका बोर्ड कौन सा है ये हमने लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे डाल दिया कि ये किस ईयर में पास हुआ है, पासिंग ईयर हो गया इसका, और यहाँ पे हमने डाल दिया परसेंटेज। फिर हमने यहाँ पे डाल दिया स्ट्रीम कि किस स्ट्रीम से इन्होंने पढ़ाई करी है। अब जैसे ही आप टैब की प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि यहाँ पे एक नया रो जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन में डाल दिया सपोज ये है 10th, और फिर हमने बोर्ड डाल दिया, तो हमने डाल दिया हरियाणा बोर्ड HBSE। ईयर हमने डाल दिया 2014। परसेंटेज हमने डाल दिया 67%, और यह स्ट्रीम हमने डाल दिया कि साइंस साइड से इन्होंने पढ़ाई करी है, ठीक है। फिर हम आ गए 12th में, यहाँ पे दोबारा हमने डाल दिया HBSE बोर्ड। फिर हमने डाला यहाँ पे 2016, और यहाँ पे हमने डाल दिया कि ये 84% इन्होंने ग्रैब किए, और ये भी इनका किस साइड से है, साइंस साइड से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नॉर्मली साइंस। फिर यहाँ पे आए, हमने लिख दिया यहाँ पे ग्रेजुएशन, और यहाँ पे हमने डाल दिया कि ग्रेजुएशन कहाँ से की है इन्होंने, तो ये इग्नू से की है। कब की है, 2019 में, और यहाँ इन्होंने 74% ग्रैब किए हैं। साइट क्या थी, तो मान लो इन्होंने आर्ट्स साइट से करी है, तो हमने यहाँ पे आर्ट्स लिख दिया। अभी लिखने के बाद आपको सिंपल डाउन एरो की क्लिक करना है, आपका जो कर्सर है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कि अगर इन्होंने कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ग्रैब की है, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। हमने ये चीज़ लिखी, लिखने के बाद हमने यहाँ पे 1 डाल दिया जो भी इनकी क्वालिफिकेशन है, और हम स्पेस करते हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं जैसे कि इन्होंने डिप्लोमा किया है सपोज कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन में, सो DCA का कोर्स किया है, तो हमने लिख दिया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ECC एजुकेशन इन 2020। इसके साथ ही अगर इनका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस। तो हमने ये चीज़ लिखी, 1 डाला यहाँ पे, और हमने डाल दिया 6 मंथ्स एक्सपीरियंस एज अ कस्टमर सपोर्ट इन BPO। तो हमने ये चीज लिख दिया, और साथ ही इनको कहीं और भी एक्सपीरियंस है तो वो भी हमने डाल दिया यहाँ पे, जैसे कि इनको 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस है एज अ कस्टमर सपोर्ट इन LG। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देते हैं इनकी तरफ से। हमने यहाँ पे लिखा सिंपल, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन हेयर इज ट्रू एज बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। तो यहाँ पे जो भी चीज़ हमने दी है उसका एक हमने छोटा सा यहाँ पे नरेशन दे दिया है, ताकि ये चीज़ प्रॉपर जेन्युइन तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। अब इसके साथ ही हम छोटी सी चीज़ें और देंगे, फिर इसे हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेट, और यहाँ पे डैश को आप शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे, इक्वल के साइड में जो की है उसको इस तरीके से आप इसे दे सकते हो। फिर यहाँ पे हम ऑब्लिक देते हैं यहाँ पे सिंपल, और फिर हमने ये डैश यूज़ किया शिफ्ट के साथ, यहाँ पे हमने सिंपल किया, और फिर इसी डैश को शिफ्ट के साथ हम देखे इस तरह से लाइन यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। फिर यहीं पे हम डाल देते हैं प्लेस, जहाँ पे भी आप इंटरव्यू या फिर ये बायोडाटा आपको सबमिट करना है, तो उसके लिए हमने एक ब्लॉक यहाँ पे दे दिया। इसके साथ ही सिंपल सा काम हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट में, और हम यहाँ डाल देंगे सिग्नेचर। तो हमने लिखा सिंपल सिग्नेचर,
लिखने के बाद इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पूरे को और बोल्ड कर देते हैं। और अब यहाँ पे एक लाइन हमें देनी है, इसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, शेप में गए, लाइन लिया और बड़े सिंपल तरीके से आपको ये लाइन यहाँ पे पेस्ट कर देनी है इस तरह से, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो इस तरह से जो ये लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी और फिर इस लाइन को आप ब्लैक में यहाँ पे ले लो। इसकी वेटेज आपको बढ़ानी है तो आप ये वेटेज यहाँ पे बढ़ा सकते हो। सो आई थिंक ये इनफ रहेगा और इस तरह से आपका ये फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। अब फॉर्मेट हमने रेडी कर लिया तो हमें यहाँ पे एडिटिंग अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो हम इमेज अप्लाई कर देते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करो, जहां पे भी आपने इमेज डाउनलोड की है या रखी है वहां से इमेज आपको इंसर्ट करनी है। तो मैंने डाउनलोड में ही इमेज रखी हुई है, मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। करने के बाद जब आप इमेज ले लोगे तो आपको यहाँ रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट कर देना है। इन फ्रंट इसलिए करना है क्योंकि ये जो इमेज है वो एक ऑब्जेक्ट होता है और अलग अलग जगह मूवमेंट करने लग जाता है। तो जब आप इसे इन फ्रंट कर देते हो तो इसे मूवमेंट करना ईजी हो जाता है, जो कि आप देख पा रहे हो। तो ये चीज हम करेंगे और ये इमेज इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अभी करने के बाद आपको इसमें जो भी एडिटिंग अप्लाई करनी हो, जैसे कि इसका साइज या फिर कलर, वो चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ कंट्रोल बी कर देते हैं, यानी कि बोल्ड, जिससे ये जो लुक है इसका वो थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाए। अभी होने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि ये चीजें मैंने लिखी है। इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर देते हैं और ये जो हमने कॉन्टेंट लिखा है इसे हम सेंटर कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा और अच्छा लुक यहाँ रिप्रेजेंट करे। इसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देंगे, इसे भी सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देंगे और ये करने के बाद ये जो हमने मैटर लिखा है इसको एक लेवल छोटा कर देंगे। और सेम यही चीज हम इसके साथ भी करने वाले हैं, सेलेक्ट किया और एक लेवल छोटा कर दिया। अब इसके बाद इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं, एक लेवल छोटा, और यहाँ जो हमारा डिक्लेरेशन हमने लिखा है इसे हम बोल्ड कर देते हैं। और इस तरीके से आपका प्रॉपर फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। नीचे में जो एक्स्ट्रा पेज आया इसे हम रिमूव कर देते हैं और आप देख सकते हो कि आपका बायोडेटा वाला जो पेज है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रेडी हो गया है, एक अच्छे फॉर्मेट के साथ। सो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।